ठीक है, आप देख रहे हैं कल हमने पढ़ा था बैलून मैन की स्टोरी, तो उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। बैलून मैन जो था वो कहाँ पे स्टैंड था, कहाँ पे खड़ा था। द बैलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर। कहाँ पे था, मार्केट के स्क्वायर में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वॉट हैपन्स टू द बैलून्स वेन द विंड ब्लोज। मैंने आपको कल बताया था जैसे ही हवा आ रही थी, हवा आने से क्या होता था बैलून को, जो उसने हाथ में पकड़े थे बहुत सारे बैलून्स धागे बांध के, क्या होगा जब हवा आएगी, क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, हिलेंगे डुलेंगे। ठीक है, हवा से क्या होगा, वो हिलेंगे डुलेंगे। ठीक है, अगर कोई बैलून उनके हाथ से छूट जाएगा तो वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, वेन देयर इज़ अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। ठीक है, मैं ये भी आंसर बोल रहा हूँ। When there is a wind, जब विंड होगी, हवा आएगी, at all, they tug, आपस में जब टकराएंगे, like anything, ठीक है। तो next, question number 3 जो final है इसका, what does the child like to see the balloon man do? चाइल्डों को, जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद आता है कि जब वो जब बैलून मैन आते हैं तो उनको क्या पसंद आता है, वो कैसे खड़े हो जाते हैं मम्मी पापा के साथ, या माँ को लाते हैं या पापा को लाते हैं साथ में, हमें ये बैलून चाहिए, हमें वो खिलौने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बैलून मैन सेटिंग ऑल द बैलून्स फ्री इन द स्काई। वो ये चाहते हैं कि सारे बैलून जो हैं वो फ्री कर दे बैलून मैन, और वो कहाँ जाएँ, स्काई में, आसमान की तरफ जाएँ। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस थे, आज हमने कंप्लीट कर दिए। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया, तो कल कुछ और टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।